इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार गैंगस्टर मामले में। मुख्तार अंसारी दोषी करार गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की हुई सजा। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में दोषी हुआ सिद्ध। दोष उनका सिद्ध हो गया है। गाजीपुर मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार। बता दें 1996 में तत्कालीन एएसपी पर किया था जानलेवा हमला। तो 10 साल बाद जो है आरोपी मुख्तार अंसारी को गिरफ्त में ले चुका है पुलिस ने, और अब सजा भी सुना दी गई है। मुख्तार अंसारी और भीम सिंह देव दोषी करार हो गए हैं। 1996 से ये जो है इन पर मामला दर्ज था, जिसकी गिरफ्तारी आज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुना दी गई है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगा है। बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा 1996 में। 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें दो मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों को रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, मुख्तार अंसारी और उसके साथी को 10 साल की सजा सुना दी गई है, और साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी दोनों पर लगाया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि ये चर्चित मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी लगाया गया। पूरा मामला गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज उन पर सजा सुनाई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। गाजीपुर के एसएसपी तत्कालीन जो 1996 में एसएसपी थे, उन पर जानलेवा हमले के पूरे मामले पर जो है उन पर गैंगस्टर के तहत उन पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने ये उन पर आरोप तय किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुराने की 21 साल पुराना ये बहुचर्चित पूरा मामला है, उसमें साथ साथ आपको ये भी बता दें मुरादाबाद कोतवाली के ऊपर भी इस तरीके से हत्याकांड के मामले में ये दोषी पाए गए। तमाम तरीके के जो मुकदमे उन पर चल रहे थे, जिस पर आज जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने उन पर सजा सुनाई है, साथ ही 5-5 लाख रुपए का दोनों पर जुर्माना लगाया और 10 साल की सजा सुनाई है। जी अविनाश, इन पर आरोप 1996 में लगा था, मतलब अब देखा जाए तो 24 साल बाद इस चीज का पूरा जो खुलासा, और आज इन्हें सजा सुनाई गई है, तो ऐसा क्या हुआ कि जो इतना लंबा समय लग गया सुनवाई में? देखिए पूरा मामला 1996 में तत्कालीन जो एसएसपी थे उन पर जानलेवा हमला का जो है आरोप लगा था, जिसके तहत उन पर गैंगस्टर की जो है कार्रवाई की जा रही थी। तो जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को 21 वर्ष से बहुचर्चित ये पूरा मामला है मुख्तार अंसारी का, जिसके कह सकते हैं कि लगातार इस पर जो है एक के बाद एक सुनवाई चल रही थी और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन आज एमपी एमएलए कोर्ट ने इन पर आरोप तय किया है और 10 साल की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए दोनों पर जो है इस पर जुर्माना लगाया है। जी बिल्कुल, तो अब कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसार की गिरफ्तारी एक सबक है उन सभी लोगों के लिए जो जुर्म करके अभी भी बचे हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से कोई भी गैंगस्टर जो है वो बच नहीं पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।